हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसी स्टूडेंट से मिलवाना चाहूँगा जिसने अभी अभी अपनी पूरी 11 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट की है डिफेंस की। पहले एसएसबी राउंड क्लियर किया और उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट की, अब ज्वाइनिंग आने वाली है। तो मैं ये सेशन इसलिए करवा रहा हूँ कि इस सेशन के थ्रू आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानना चाहेंगे या जानेंगे। आप में से जो भी डिफेंस में जाना चाहता है उसके पास डिफेंस में जाने के कई सारे रास्ते हैं, पर अगर आप ऑफिसर रैंक पर जाना चाहते हैं तो आप या तो एनडीए या सीडीएस या बी के बाद डायरेक्ट टेक्निकल एंट्रेंस के थ्रू जा सकते हैं। तो ऐश्वर्या ने बी किया हुआ था, बी के बाद टेक्निकल एंट्री के थ्रू इसने एडमिशन लिया। पहले एसएसबी ट्रेनिंग में गई, एसएसबी में किस ढंग से फेस किया, फिर उसके बाद ट्रेनिंग हुई, किस तरह की ट्रेनिंग होती है, सारे अनुभव आपके साथ शेयर करेगी। तो अगर आप बी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं या आप 10th 11th 12th में हैं और डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आपके पास एक एनडीए ऑप्शन है। अगर आप 12th कर चुके हैं तो सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं या बी के थ्रू डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। कैसे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐश्वर्या दें इनको। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनको ये बताइए कि आपका क्या रूटीन था, किस ढंग से प्लान किया और बच्चे को क्या चीज़ है या स्टूडेंट को क्या चीज़ है जो डेवलप करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं लेफ्टिनेंट ऐश्वर्या विकास ठाकुर हूँ और मैंने जस्ट रिसेंटली 8 सितंबर को ही मेरी कमिश्निंग हुई है, मैंने पास आउट किया है और अब मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करूँगी। आई एम नॉट हेयर टू सेल इंडियन आर्मी, मैंने जस्ट यही डिसाइड किया है कि हाँ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, रेस्ट अगर आपको अच्छा लगता है देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। सबसे पहले तो मेरा कुछ बचपन से ऐसा प्लान ही था कि इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करना है। आई यूज टू लाइक एडवेंचर स्पोर्ट्स, मैंने मकाउ टावर से जंप किया था 61st फ्लोर से और ऐसे कई एडवेंचरस चीज़ें की थी कि मुझे ऐसा लगता कि हाँ अगर कोई करियर करना है जिसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि इंडियन आर्मी इज़ अ फील्ड कि जहाँ तुम्हें ये चीज़ मिलती रहेगी, तुम्हें खुद को एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ योर करियर। तो मैंने कहा ठीक है हम अप्लाई करके देख लेते हैं। सो आई अप्लाइड एंड देन आई गॉट शॉर्टलिस्टेड, मैंने अपने बीई के एवरेज मार्क्स पे अप्लाई किया, शॉर्टलिस्टिंग हुई एंड आई वॉज कॉल्ड फॉर एसएसबी इंटरव्यू। द एसएसबी इंटरव्यू इज फॉर 5 डेज, 5 डेज में हमें 3 इस पे चेक किया जाता है, एक हमारा साइकोलॉजी पे, एक हमारा फिजिकल टेस्ट पे और एक हमारा पर्सनल इंटरव्यू पे। 5 दिन तक जो ये इंटरव्यू चलता है इसमें मैंने ये रियलाइज़ किया कि हाँ हर तरफ से अगर हमें चेक कर रहे हैं तो हर तरफ से हमें ये भी देखा जा रहा है कि ये तीनों चीज़ें हमारी मैच कर रही है कि नहीं, हम अपने आप को ट्रूली दिखा रहे हैं कि नहीं, जस्ट वी हैड टू बी आर सेल्व्स। तो मैंने इसके लिए थोड़ी बुक वगैरह से थियोरेटिकल नॉलेज तो लिया ही था, बट वहाँ जाकर जो एक्सपीरियंस रहा, फ्रैंकली बता रही हूँ आज तक मैंने कोई ऐसा इंटरव्यू दिया ही नहीं था कि जिसको मैंने इतना एंजॉय किया। 5 दिन के वो इंटरव्यू में हम लोगों ने साइकोलॉजिकल टेस्ट में हमें लिखना रहता था, वर्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, ये सब आपको नेट पे ज़रूर मिल जाएगा, बट वहाँ जाकर देने में जो मज़ा आया था, हमने फिजिकल टेस्ट किए थे, हम लोग अराउंड एक बैच में 100 लड़कियाँ गई थी, फिर हमारे में 10 लड़कियाँ शॉर्टलिस्ट हुई और फिर उसके बाद रिकमेंड और भी कम हुई। तो ऐसे करते हुए हम लोगों ने पूरा प्रोसीजर किया, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बनते गए और वी एंजॉयड द इंटरव्यू। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद हमने कहा कि यार इंटरव्यू क्लियर हो गया है, मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आई, उसमें से भी कुछ और छाट के फिर हम लोगों को बुलाया गया ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग में हमें बताया था कि हाँ ट्रेनिंग हार्ड होती है, हमें मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रेन दिया जाएगा। तो हमने कहा ठीक है मेंटल फिजिकल स्ट्रेन कितना दे देंगे, हम तो कर लेंगे, हमने तो डिसाइड कर लिया ये करना है। गए फर्स्ट डे, गए और फर्स्ट डे जो हालत करी उन्होंने हमारी, जाते से ही हम लड़कियों के तो बाल कटवा दिए, ठीक है अब हम लोग बिना बालों के वहाँ जाकर खड़े हुए, हमें शुरुआत करवा दी पुशअप्स सिटअप्स। पहली बार रात को जब 2 बजे मैं सोई और 4 बजे उठना पड़ा मुझे, तो मेरे को लगा कि बाप रे ये मुझे पूरे साल भर करना पड़ेगा। पर फिर मैं घर पे कॉल, जब हमें स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं थे, संडे टू संडे हमें बेसिक फ़ोन मिल जाता था, फर्स्ट संडे मुझे बेसिक फ़ोन मिला, मैं गई, मैंने घर पे कॉल किया एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ट्रेनिंग हार्ड है या क्या है, मैंने कहा यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है, आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड हमें ये सब क्यों कराया जा रहा है कि इतनी देर तक जगा के रखते हैं फिर सुबह उठते हैं और उसमें भी हम लोगों को दिन में नींद आती है तो हमें डांट पड़ रही है। हमें फिर धीरे धीरे हमारे फिजिकल्स बनाने शुरू किए कि उन्होंने हमें दौड़ाना शुरू किया, 2.4 किलोमीटर रन हमें कंप्लीट करना रहता है 13 मिनट्स में लड़कियों को, लड़कों को 10 मिनट्स में। उन्होंने दौड़ाना शुरू किया, पुशअप्स सेटअप्स वगैरह प्रॉपर कराना शुरू किए, हमारी स्ट्रेंथ बिल्ड कराना शुरू की और वहाँ हमें बस यही बोला कि मेंटली स्ट्रांग रहो, जहाँ तुमने मेंटल स्ट्रेंथ खोई यू कांट कंप्लीट द ट्रेनिंग। 21 डेज का लेवरेज मिलता है कि यू ट्राई फॉर 21 डेज, इफ विद इन 21 डेज तुम्हें फील होता है कि नहीं दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, यू कैन लीव, बट आफ्टर दैट इफ यू वॉन्ट टू लीव यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी
तो 21 डेज में जिन लोगों को छोड़ के जाना था छोड़ के चले गए. अब बचे हुए हम लोग जो थे कि नहीं हम तो करेंगे, हम लोगों ने कहा कि ठीक है चलो अब आगे करके देखते हैं क्या करना है. वहाँ पे शुरुआत में बेसिक टेस्ट तो यही थे, 2.4 किलोमीटर्स करा दिया, सेटअप्स करा दिए, फिर रोप चढ़ना सिखाया हम लोगों को. और वहाँ सबसे अच्छा तो ये था कि हमें ये बताया कि हाँ लड़कियाँ लड़के जब तुम लोग बोलते हो कि सब इक्वल है तो सबके लिए चीज़ें सब इक्वली रहेंगी, किसी को लेवरेज नहीं मिलेगा, लड़कियों को भी सेम ट्रेनिंग से होकर जाना पड़ेगा. हमें पूरी वो रोप ऊपर चढ़ना, हॉरिजॉन्टल रोप क्रॉस करना सब चीज़ें सिखाने लग गए. हम लोगों ने रोते गिरते पड़ते सीखना शुरू किया. अब हम लोग जूनियर्स से आए हुए, सीनियर्स का ऐसा था सीनियर्स को ऊपर से ऑर्डर आते थे कि जूनियर्स की लाइफ हेल बना दो, उनको जितना पेल सकते हो पेलो, उनको जो करना करो, दे शुड लर्न कि कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जी सके. तो वो लोगों ने क्या किया, जब उनका मूड बहुत ऑफ हो जाता था तो वो हमको बोलते थे 11 बजे तुम इसको रिपोर्ट करोगे, 12 बजे उसको, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए अलग अलग सीनियर्स को रिपोर्ट करो. पूरी पूरी रात हमें जगा के रखा. और फिर 4 बजे हम ड्रिल में जाते थे, ड्रिल में हमें 2 मिनट के लिए सावधानी विश्राम करके खड़ा रख दिया, बस हमारी नींद लगना शुरू, खड़े खड़े सोना हमने सीख लिया वहाँ पे. अब हमें इसके साथ साथ कंपनी स्पिरिट सिखाई कि यू कांट लीव अ पर्सन, कि तुम 10 लोग हो, 9 लोग कर पा रहे हो, 1 नहीं कर पा रहे तो उसको छोड़ के नहीं जा सकते. तुम कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे थे कि तुम क्वालिफाई ही नहीं करोगे अगर तुमने अपने एक कोर्समेट को छोड़ दिया. तो हमें वो शुरुआत में सिखाया कैसा कि हमारी पूरी कंपनी है 40 की, एक ने गलती की रगड़ा सबको जा रहा है, वहाँ रोलिंग काट रहे, क्यों, क्योंकि एक इंसान लेट हो गया. तो ऐसे करते हुए हमारी कंपनी स्पिरिट बढ़ती गई कि ठीक है अगर तुम गलती करते तो एक दिन मैं भी गलती करूँगी, तुम्हारे कारण हम लोग पिल रहे, एक दिन मेरे कारण तुम लोग पिलोगे. तो हम लोग ठीक है चल तूने आज गलती की कोई बात नहीं, आज हम तेरे लिए खा लेते, कल तू हमारे लिए खा लेना. तो ऐसे करते हुए हमारी कोर स्पिरिट बढ़ती गई. हम 40 लड़कियों ने साथ में सोए हैं, साथ में खाया है, साथ में पिया है और साथ में पूरा रगड़ा खाया है. तो हम लोग एक फैमिली बन गए. ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई हमारे लिए एक घर बन गया. वहाँ हम लोग कितने भी बजे हमें उठा दो, कितने भी बजे कुछ भी करा दो, हम रेडी होने लग गए कि हमें 1 बजे उठाकर कहीं भी ले जा रहे, रगड़ा करवाने ले जा रहे. हमारे यहाँ एक पी हिल करके एक हिल हुआ करता था जहाँ हमें कभी भी दौड़ने के अलावा कैसे भी चढ़ना अलाउड नहीं था. हाँ रोलिंग करके चढ़ाया जा सकता था, वो भी चढ़ाया था, बाकी हम लोग पी हिल पे चढ़ते थे. पी हिल से हमें पूरा चेन्नई दिखता था. तो हमें एक बार रात को 2 बजे ऑफिसर लेके गया जस्ट टू शो कितना ब्यूटीफुल है, रगड़ा कराते हुए कि हमें पहले रोलिंग कराई, फिर हमें कहा कि अब यहाँ से दौड़ते हुए पहुँचोगे पी हिल के ऊपर और कोई भी मुझे चलते हुए दिखना नहीं चाहिए. हम लोग पी हिल के ऊपर पहुँचे, फिर पी हिल के ऊपर हमसे पुशअप्स लगवाए और उसके बाद फिर उन्होंने दिखाया कि देखो अब देखो पूरा चेन्नई, वो फ्लैग दिख रहा है, एक एक एयरपोर्ट दिखाया हमें, सिटी लाइट्स का डिस्क्रिप्शन करते हुए हमें पूरा चेन्नई दिखवाया. तो उन्होंने ये बताया कि हार्ड वर्क के बाद एक टाइम होता है कि कभी ना कभी ये रगड़ा खत्म होना होता है, ये टाइम बाउंडेड होता है. तो मेंटली बस ये ध्यान रखो कि हाँ हर चीज़ है, दिस थिंग टू विल पास. तो ऐसे करते हुए हम लोग सीखते गए. अब आते हैं हमारे इवेंट्स, जैसे क्रॉस कंट्री. क्रॉस कंट्री हमारे लिए एक पार्टी टाइम जैसा होता है, हमें दौड़ना होता है, हमें कंपनी स्पिरिट दिखानी होती है क्योंकि जितने जल्दी हम कंप्लीट करेंगे तो हमारी कंपनी की पोजीशन उतनी ऊपर जाएगी और कंपनी जीतती है तो ट्रॉफीज वगैरह मिलती हैं. तो हर किसी को, हर एक एक कैडेट को अपना फुल पुट इन करना होता है. तो इट्स लाइक जूनियर टर्म में हमारे लिए 6 किलोमीटर होता था, सीनियर टर्म में 9 किलोमीटर्स और लड़कों के लिए 9 किलोमीटर्स और 12 किलोमीटर्स. तो क्रॉस कंट्री में हम लोगों को बीच बीच से, मतलब थोड़ा सा झाड़ियों वाड़ियों के बीच से रास्ता बना दिया, पहाड़ चढ़ के जा रहे ऐसे था. तो हम लोग को पूरा घूम के आते थे और वो इसलिए एक पार्टी टाइप का लगता था बिकॉज ऑफिसर्स, ऑफिसर्स की वाइफ, ऑफिसर्स के बच्चे वो सब आते थे और सब लोग रास्ते में चीयर करते रहते थे कि दौड़ो दौड़ो कुछ नहीं हो जाएगा कंप्लीट. और ऐसे करते हुए हम लोगों ने वो कंपनी स्पिरिट के नाम पे हम लोग दौड़ते थे, हम अपना पूरा पुट इन करते थे और फिर एनक्लोजर्स बनते थे कि कौन फर्स्ट इसमें आ रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते हुए एनक्लोजर्स बनाते थे. तो हम लोगों ने पूरा अपना पुट इन करना कि हम अपनी कंपनी को जिता के रहेंगे. जो मतलब एज अ सिविलियन मैंने नहीं इतना ज़्यादा सीखा था कि दूसरे के लिए, जो कहते हैं ना कि सोल्जर्स होते हैं कि दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, वो स्पिरिट हमें यहाँ पर सिखाई जाती है. ये हमारे लिए ऑफिसर्स बनने से ज़्यादा एक सोल्जर बनने की ट्रेनिंग रहती है बिकॉज हम लोग जब ऑफिसर्स बन जाएंगे तो हमें अपने सोल्जर्स को कमांड करना होगा. तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो क्या फील करते हैं. हम उन्हें ऑर्डर देंगे तो हमें थोड़ा सेंसिबल ऑर्डर देना चाहिए कि ये चीज़ हो भी पाती है कि नहीं,
वो चीज हमें पता कैसे चलेगी जब हमने खुद ने वो जी हो. तो ये सब जीना था. उसके बाद जोश रन करके एक इवेंट आता है. जोश रन टफेस्ट इवेंट रहता है पूरे ट्रेनिंग का, बिकॉज वो लड़के तक रो देते हैं उसमें, और रोना मतलब प्रॉपर रोने वाला होता है उसमें. जूनियर टर्म में हमारा होता था 25 किलोमीटर्स का, सीनियर टर्म में 40 किलोमीटर्स. बट ये ऑन पेपर रहता था कि तुम्हें 40 किलोमीटर्स करना है, क्योंकि ये क्रॉस कंट्री रूट दिखा देते थे मैप पे, मार्क कर दिया इतना 40 किलोमीटर्स हो गया. बट हम जंगलों के बीच में जाते नहीं थे कि हम भटक जाएंगे, हम बाहर बाहर का रास्ता रहते थे. तो 40 किलोमीटर्स हो जाता था 60 किलोमीटर्स. और उसके साथ हमारे पास होता था 20 केजीस का लोड, पीठ पे 20 केजीस का लोड टांगे हुए हैं. राइफल होती थी या तो 5 केजी वाली या तो रॉकेट लॉन्चर 10 केजी का, वो लेकर हमें दौड़ते रहना है. 12 घंटे मिले, शाम को 7 बजे हम लोग शुरू कर रहे हैं. शाम को 7 बजे स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया, करते करते हमें सुबह के 7 बजे तक का टाइम मिला है. दौड़ रहे चल रहे और रात हो गई 9-10 बजे. हम जंगलों के बीच से जा रहे हैं. उसके बाद जो छोटे गांव वगैरह आते थे वहां छोटे छोटे बच्चे आकर एकदम देखकर अरे सोल्जर्स आ रहे करके आते हैं और हाई फाई करते हैं. तो वो तो मजा आ रहा है. बट जैसे ही 1-2 बजता है पूरा सन्नाटा, फिर जुगनू दिख रहे हैं. अब टाइम बढ़ता जाता है तो लोगों को पेन होना शुरू होता है. पेन से कैसे ओवरकम करें, तो हम लोग रात को गाने गाते हुए चल रहे हैं. जो गाने ध्यान में आ रहे सब चिल्ला चिल्ला के गाते ताकि पेन की तरफ ध्यान ना जाए. लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि चल यार कुछ नहीं, थोड़ा सा ही है, कंप्लीट हो जाएगा फिर खत्म हो जाएगा. क्योंकि ये कंपलसरी इवेंट है, ये पास करने के अलावा हम लोग जा नहीं सकते, पास आउट नहीं हो सकते. तो हम लोग करे जा रहे, सब एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे, हो जाएगा बस थोड़ा सा और है, बस थोड़ा सा और है. और पूरी कंपनी को हम लेके चल रहे हैं. और फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट होता है, एक्चुअल में हम जब पहुंचते हैं फिनिश पॉइंट पे, हम लोगों को ऐसा लगता है कि वाओ हमने फाइनली कर लिया. ये पूरी नेविगेशन पे बेस्ड रहता है, हमारे पास कंपास रहता है. और ये चीज़ ना जो नेविगेशन रहती है हम लोगों को, सही बताओ तो अभी वाली टेक्नोलॉजी ने इतना ईजी बना दिया है. वो जो नेविगेशन करते हुए हम लोग चलते हैं उसमें हम लोग एक जगह जहाँ हमें पहुँचना उसके हम चारों तरफ घूमते रहेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि वो वहाँ बीच में हम उसके इतने पास पहुँचे हुए हैं. तो ऐसे पूरा नेविगेशन करते हुए हम लोग जाते हैं एंड वी कंप्लीट द 40 km जोश रन. उसके बाद हमें पास आउट होने के लिए एक स्टेप और आगे तक पहुँचा दिया जाता है. इसके अलावा हमें 10 मीटर्स जंप थी हमारी स्विमिंग पूल में, ऊपर तक चढ़ के जाना 10 मीटर्स. तो ये एक तो होता है कॉन्फिडेंस टेस्ट कि कितना आप मेंटली स्ट्रांग हो, क्योंकि जब आप हाइट पे पहुंचते हो बहुत लोगों को हाइट से डर लगता है और आप कैसे उसको ओवरकम करते हो. तो वो रेलीगेटरी टेस्ट होता है. अगर आप वो पास नहीं करते हो तो आपको 6 months रिपीट करना पड़ेगा. आपने सारे टेस्ट एक्सेलेंट में पास कर लिए हैं बट आप वो पास नहीं कर रहे हो तो आपको 6 months रिपीट करना पड़ेगा. तो वो मेंटल प्रेशर से आप कैसे अपने फियर को ओवरकम करते हो, ये चीज़ें देखी जाती है. हमें 5 km BPET रन होता है, जो कि हमारे पास बैकपैक रहता है 5 kgs का और एक राइफल रहती है. तो टोटल 10 kgs लेकर हम दौड़ते हैं और हमारे पास 35 minutes रहते हैं 5 kilometers कंप्लीट करने के लिए. तो वो भी एक तरह से आपका मेंटल स्ट्रेंथ ही चेक करते हैं, क्योंकि आप जब खुद को बोलते रहते हो कि हाँ ये हो जाएगा, ये तो मैं कर लूँगी, पूरे रास्ते आपको खुद को ही मोटिवेट करते हुए चलना पड़ता है. दौड़ते 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 आप कंप्लीट कर लेते हो. तो बहुत मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट 6 months तो ठीक है, सीनियर्स आपको बहुत बताते हैं कि ठीक है ऐसे करना ये करना है, बहुत रोजर करते हैं और फिर आप फर्स्ट 6 months पास कर जाते हो. जो नेक्स्ट 6 months होते हैं जब आप सीनियर बनते हो तो वो आपके लिए इसलिए कठिन हो जाता है बिकॉज नाउ यू हैव टू टेल अदर्स कि हाँ तुम जूनियर्स को कैसे रहना है, क्या करना है, और खुद का ध्यान भी तुम्हें खुद को रखना है. तो उस टाइम पे यू फील हेल्पलेस, यू कांट जस्ट अप्रोच दी ऑफिसर्स, क्योंकि ऑफिसर्स और तुम में काफ़ी डिस्टेंस बना रहता है. हाँ, ऑफिसर्स से मुझे ध्यान है, ऑफिसर्स हम लोगों को इस तरह से रखते थे कि हमें ऑफिसर्स से खौफ बन जाता था. हम लोग ग्रेनेड फायरिंग करके आए, हम लोग नीचे लेटे हुए हैं, ठीक है, अचानक से आगे के कुछ लोग खड़े होते हैं तो बाकी पीछे वाले कहते हैं अरे शायद वो मेजर आ गया, मेजर आ गया, मेजर आ गया. तो सब एकदम से डर के पूरी पूरी कंपनीज, 3 companies थी, तीनों की तीनों खड़ी हो गई हेलमेट वगैरह पहन के, बैग लेकर कि बाप रे डांट देगा वो. और फिर अचानक से कोई बोलता है अबे नहीं सांप निकले, तो अरे सांप निकला शिट यार हमें लगा ऑफिसर आ गया, और करके हम लोग वापस सो गए. तो मतलब ऑफिसर्स का खौफ हमें वाइल्ड एनिमल्स के खौफ से ज़्यादा था कि कोई भले ही जानवर दिख जाए या सांप वगैरह दिख जाए, हम लोगों को उनसे डर नहीं है, हमें डर है कि ऑफिसर आ गया तो हम लोगों की ले लेगा. तो इस तरह के इवेंट्स होते गए कि हम लोग ने काफ़ी सारी मेमोरीज बनाते गए. ये चीज़ उस टाइम पर हम लोग को क्लिक नहीं हुई बट बाद में जब हम सोचते हैं कि यार हम लोगों ने कितनी मेमोरीज बना ली है. और
सच बताऊं तो उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता है कि ये इंसान हमसे ऐसा क्यों करवा रहा है, पर बाद में हमें रियलाइज होता है कि हाँ इन्हीं चीजों ने तो हमें पूरा बदल दिया है। एक सिविलियन ग्रेड से एक मिलिट्री ग्रेड में आना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो चीज वो कर पाए हैं, हमारे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें लाया है उस ग्रेड में, तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज थी जो उन्होंने पूरे 11 मंथ्स में कर दिया है। वहां पर होती है मूवीज होती है वेनसडे और सैटरडे। अब मूवीज का ऐसा है, मूवीज तो सबको पसंद ही है, वेनसडे को हॉलीवुड दिखा देते, सैटरडे को बॉलीवुड दिखा देते थे, सारी लेटेस्ट सारी मूवीज देख ली हम लोगों ने। पर जूनियर टर्म में मूवी डे यूज टू बी हेल, क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा मूवी खत्म होती थी तो सीनियर्स हमको बोलते थे जूनियर्स बिकम मुर्गा, एक घंटा वो हमें रोजा करते थे, मुर्गा मुर्गी में हमें पूरा हमारी पैरों की बैंड बजा देते थे, और उसके बाद फिर हमें डिनर के लिए लेके जाते थे। और सीनियर टर्म में मूवीज हमारे लिए बहुत अच्छी रहती थी कि यार मूवी का टाइम है, हम आराम से जा सकते हैं, आराम से जाकर फिर उसके बाद हम लोग मूवी देखते थे, वहाँ स्नैक्स मिलते थे, स्नैक्स खा रहे, वहाँ खाना फर्स्ट क्लास, हर चीज़ एकदम मस्त मिलती थी। मतलब आपको नॉनवेज होगा चिकन वगैरह सब मिल जाएगा, वेज में भी पनीर वगैरह मिलेगा, सो इट यूज़ टू बी नाइस। और खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना खाना है खा लो, क्योंकि अगले दिन तो उठाकर वापस पीटी कराकर वो सब खत्म। तो वैसे ही खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक हमारा हुआ था कॉम्बैट सर्वाइवल, कॉम्बैट सर्वाइवल में हमें सिखाया था कि किस तरह से अगर आप जंगल वंगल में जाते हो, आपको रहना पड़ जाता है अकेले, आपके पास कुछ है नहीं, तो कैसे सर्वाइव करना, किस चीज़ों के घर बन सकते हैं, पानी कैसे मैनेज करना। तो उसमें हमें सिखाया था कि एक मुर्गे को बेयर हाथों से कैसे मारना, एंड ट्रस्ट मी आप लोगों को लगा नहीं होगा कभी कि वो चीज़ इतनी ईजी हो सकती है, जितनी ईजीली हमें करके दिखाई। वहाँ पहले उन्होंने 10 मुर्गे लाए और फिर एक मुर्गे से उन्होंने डेमो दे के दिखाया। यू जस्ट हैव टू होल्ड इट्स नेक बिटवीन टू ऑफ योर फिंगर्स, और तुम्हें हाथ को बस ऐसे झटका देना होता है, दैट्स इट, गर्दन हाथ में बॉडी अलग, खत्म, और कुछ था ही नहीं। और जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि हाँ ये सिर्फ वो लोग नहीं, तुम लोग भी कर सकते हो, हर एक कंपनी से एक एक नॉमिनेटेड पर्सन ने करके देखा, एंड इट वॉज एक्चुअली दैट ईजी कि इंसान हाथ झटका और ख़त्म। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ चीज़ें लगी हुई थी कि क्रैब्स है और फिश है, चिकन है, मटन है, सब लगा हुआ है, एंड इट वॉज जस्ट रोस्टेड, क्योंकि जब आप ऐसी जगह जाओगे यू कॉन्ट यूज़ ऑयल एंड एवरीथिंग एंड कुक इट, तो रोस्टेड चीज़ें रखी हुई है आगे, फिर ककड़ी और आलू वगैरह रखा हुआ था, वेज सब। तो उन्होंने कहा कि वेजिटेरियन सब एक साइड हो जाओ, और वेजिटेरियंस को एक साइड किया और उनसे शुरुआत कराई, उनको पहले क्रैब खिलवाया, उनको पहले फिश मीट सब खिलवाया कि तुम लोग पहले शुरू करो, और आज से अब कोई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में वेजिटेरियन नहीं रहा। तो ऐसे करके सब हर चीज़ का उन्होंने हम लोगों को कि हम लोगों को घिन ना रहे किसी चीज़ से, हम लोगों को अलग अलग जगह हमें कीचड़ वगैरह सब चीज़ों में रोलिंग करवा दी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कैसा भी टेरेन हो, कैसी भी चीज़ हो, आप सर्वाइव कर सको। एक हुआ था पर्वत विजय कैंप, तो उस कैंप में हमें वो माउंटेन वॉरफेयर पे बेस्ड है, तो माउंटेन वॉरफेयर पे हमें पहाड़ पे चढ़ना, मतलब वो चढ़ने में 1.5 घंटा लगता था, उतरने में 45 मिनट्स। तो वो ऊपर जाकर हमारा रहने की जगह, हमें डिनर और ये ब्रेकफास्ट लेने पूरा नीचे आना पड़ता था। तो हम लोगों ने पार्टी बनाई थी कि ठीक है ये ब्रेकफास्ट पार्टी होगी, ये डिनर पार्टी होगी, वो लोग पूरा नीचे उतर के जाते थे और पूरी कंपनीज के लिए ब्रेकफास्ट या डिनर ऊपर तक लेके आते थे, इतना टाइम लगता था। तो वो चीज़ें कैसे करना, मतलब हम लोगों को क्या लगता है कि हमें ट्रैकिंग करने जाना चाहिए। जब मैं फ्रैंकली बता रही हूँ कि जब मैं सिविलियन ग्रेड में थी तब मैं ऐसे थी कि हाँ यार ये यहाँ पहाड़ चढ़ना चाहिए, जब ट्रेन वगैरह से जाते थे कहीं तो वो देखते थे यार इधर पहाड़ पे कैंप करने में या जाने में कितना मज़ा आएगा। उस कैंप के बाद मैंने सोच लिया पहाड़ नहीं चढ़ना, कुछ भी हो जाए ट्रैकिंग पे नहीं जाना, कोई पहाड़ नहीं चढ़ना, मेरे सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं। तो ट्रेनिंग टफ तो थी, ट्रेनिंग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सीखी जो मैंने यहाँ रह के नहीं सीखी थी, पर सबसे बेस्ट ये लगा कि वहाँ ना एक अंतिम पग होता है जो बताता है कि हाँ दिस इज़ द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, यू क्रॉस इट एंड इट डिटरमाइंस कि आपने एड्यू ले लिया है, एक फॉर्मल एड्यू फ्रॉम द एकेडमी। तो वो तो गूज़बम्स देती देती है, बट उसके बाद क्या होता है, आपके पेरेंट्स वगैरह सब आए होते हैं, सब शूट कर रहे होते हैं, और द मोमेंट यू सी द प्राइड फीलिंग इन देयर आइज़,
आपको लगता है कि आपने लाइफ में सब चीजें अचीव कर ली, जो आपके ड्रीम्स थे वो सिर्फ उनके आंखों में जो प्राइड होता है वो देखकर आपको लगता है कि हाँ अब लाइफ में कुछ अचीव करने का रहा नहीं है, यू अचीव व्हाट यू एक्चुअली वांटेड टू सिंस योर चाइल्डहुड. तो वो बेस्ट फीलिंग थी जो मुझे फील हुई वो अंतिम पक क्रॉस करके उनके आईज में देख के, तो वो चीजें बहुत अच्छी. फिर पिपिंग जो होती है, जो स्टार्स रहते हैं, हम लोग यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, स्टार्स पे कवर चढ़ा रहता है, तो हमारे पेरेंट्स का काम रहता है कि वो हमें जब बोलते हैं कि नाउ द पिपिंग में कमेंस, सो दे रिमूव द पिप्स, वो कवर निकालते हैं एंड वी आर ऑफिशियली नाउ लेफ्टिनेंट्स. तो वो इतनी खुशी की मतलब पेरेंट्स हमें एक तरह से स्टार्स लगा रहे हैं कंधे पे, वो हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा होता है. देन वी टेक द ओथ. फिर हमारे ये होते हैं कंपनी के पुशअप्स वगैरह वॉर क्राइज के साथ, और फिर वो पुशअप्स लगा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं सब, मतलब इतना ज़्यादा खुशी रहती है ना कि हम लोगों को फील ही नहीं हुई थी. जैसे पूरे लाइफ में मैं बता रही हूँ, मैंने स्कूल किया, कॉलेज किया, आई लेफ्ट स्कूल, आई लेफ्ट माई कॉलेज, बट आई नेवर फेल्ट सो बैड अबाउट लीविंग इट व्हेन आई व्हाट आई फेल्ट आफ्टर लीविंग द अकेडमी. मैं ये नहीं कह रही कि हाँ मुझे ये था कि मुझे और ट्रेनिंग करनी थी वहाँ, वो तो बिल्कुल नहीं, बट आई एक्चुअली फेल्ट बैड कि हाँ जितनी मेमरीज बनाई हैं आई एम एक्चुअली गोइंग टू मिस द अकेडमी. तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. और आने के बाद जो सबसे ट्रीटमेंट मिला कि सब एवरीवन वाज प्रेजिंग, एवरीवन इज लाइक वाओ यू डिड अ रियली ग्रेट जॉब, और फिर पेरेंट्स को आकर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. तो ये सबसे मुझे लगा कि यार आई एक्चुअली टुक द राइट पाथ. अभी जैसे आपने ऐश्वर्या को सुना, अभी आकृति भी आ गई. कम ऐश्वर्या, अभी रुको आप. अभी ऐश्वर्या के बाद अब मैं आकृति के भी कुछ फीडबैक और हम इनके एक्सपीरियंस सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस जो मन में आप लोगों के रहते हैं आते हैं वो सब भी बताऊंगा. पर आपने एक बात समझी होगी कि अगर डिफेंस में जाना है तो मेंटली और फिजिकली आपको बहुत स्ट्रांग बनना होगा और बहुत ही डिफरेंट सोच के साथ जाना होगा. मतलब आपको अपने लिए नहीं, अपनों के लिए या दूसरों के लिए जीना है, कंट्री के लिए कुछ करना है, तो आपके थॉट या एटीट्यूड में बहुत चेंज आना चाहिए. तो अब आकृति से आप पहले भी मिल चुके हैं. ऐश्वर्या ने जैसे बताया कि उसको एडवेंचर का शौक था इसलिए वो गई, पर मैं बताऊं आकृति को तो हम लोगों ने 9 से देखा, इसका तो 9 से ही सपना था कि डिफेंस में जाए. और आप इससे पहले भी मिल चुके हैं, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी थी. अब आकृति बताओ कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा, तुम्हारा तो बचपन से एक सपना था, अब ऑफिसर बन के कैसा लग रहा है, और बच्चों को बताओ. फिर इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्किल्स हैं, क्योंकि अगर समय रहते हुए बच्चे अगर स्किल डेवलप करें तो ही वो एसएसबी राउंड या टेक्निकल ट्रेनिंग या पूरे ये 11 महीने की ट्रेनिंग कवर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. तो वो हम सेकंड सेशन रखेंगे, पहले अपने एक्सपीरियंस शेयर करो. जैसा कि ऐश्वर्या ने बताया, उसने ट्रेनिंग तो बखूबी एक्सप्लेन कर दी है, सब कुछ क्या रहा, कैसा रहा, डिफरेंट था लेकिन एक्चुअली इट वॉज वेरी गुड. मतलब ठीक है, होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं करना चाहते हो, थक जाते हो, रन बैक्स हैं 40-50 किलोमीटर, कौन दौड़ना चाहता है यार इतना 25-30 किलो लेके किसी को शौक नहीं चढ़ता. लेकिन एक्चुअली जब कुछ बन जाते हो ना, खुद को रियलाइज़ नहीं होता, बट आप जब दूसरों को देखते हो, जब वो आपको प्रेस करते हैं, आप जब वापस सिविलियंस के साथ आते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार कुछ कर दिया. एंड वो कुछ करने के लिए कुछ नहीं होता यार, बस हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कौन से कहीं सुपर ह्यूमन तो थे नहीं, हम कर सकते हैं. तो सारे के सारे जितने अकेडमी में हमारे साथ पास आउट हुए हैं, 238 की हमारी पोस्टेज स्ट्रेंथ थी जो पास आउट हुई है, सारे उन्हें कर लिया, तो हर कोई कर सकता है. बट अगर आपके मन में कुछ, अगर वैसा ही कुछ करने का हो, देखो इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ आर्मी ऑफिसर और डिफेंस में जाना या ऐसा कुछ भी, जो भी कर रहे हो उसको मन लगा के कर लो, उसमें भी उतनी ही खुशी होगी जितना हमें आज ऑफिसर बन के हो रही है. ठीक है, तो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. ठीक है, और रहा सवाल ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग वॉज एक्चुअली फन. बाकी जो एक्सपीरियंस में बचा कुछ तो मुझे नहीं लगता. डाउट्स वगैरह जो भी हैं आप लोगों के, आप लोगों में से कौन है ऐसा जो एस्पिरेंट है, डिफेंस एस्पिरेंट टाइप्स? तो जो भी है आपका, जैसा भी ड्रीम रहा है, देखो मेहनत एक, हम लोगों की भी उतनी मेहनत लगी, सब कुछ लगा, लेकिन बस एक बार की मेहनत है, उसके बाद फिर मज़े ही मज़े हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट. एक बार मेहनत कर लो, जी लगा के कर लो, फिर आराम हो जाएगा ज़िंदगी में. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड.
और हाँ, जैसा कि सर ने बताया, मेरा बचपन से ड्रीम था, तो मुझे ये था कि मैं स्टार्टिंग से उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रही थी खुद को, कि हर चीज़ में, फिजिकल्स में भी, बिहेवियरल वाइज भी, जो भी OLQs ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चाहिए थी, वो मैं स्टार्टिंग से डेवलप कर रही थी. तो मुझे उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई. मेरे लिए थोड़ा सा, मतलब मुझे हमेशा से बोर्डिंग स्कूल जाना था, NDA जाना था, इस टाइप के मेरे ड्रीम्स थे. तो मुझे उतना कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगा. एंड ट्रस्ट मी, अगर मुझे कोई वापस अकेडमी भेजना चाहे तो मैं जाने को तैयार हूँ, भले ही वो मुझे फिर से मुर्गा खिला दें. बट वो एक्चुअली इतना अच्छा रहता है. तो बस यही है कि जो अचीव करना चाहो एक बार अचीव कर लो, फिर तो बहुत ही अच्छा लगता है. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. दोनों लोगों के एक्सपीरियंस सुने. अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा. देखिए, अगर आप NDA के थ्रू डिफेंस में जाना चाहते हैं या CDS के थ्रू, तो क्या क्या स्किल्स हैं और कब से डेवलप करना चाहिए? अभी NDA में इनफैक्ट गर्ल्स की एंट्री नहीं है, पर जिस समय NDA स्टार्ट हुआ था उस समय गर्ल्स कम जाती थी, पर अब डिफेंस में धीरे धीरे गर्ल्स बढ़ने लगी हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है NDA के थ्रू भी एंट्री मिलने लगे, मुझे लगता है ऐसा. सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, अभी बच्चों ने NDA का एग्जाम दिया और अभी CDS का भी देने वाले हैं, SSB के लिए बच्चों को किस तरह से अपने आप को एक मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए. दूसरा, अगर कोई डिफेंस में जाना चाहता है तो क्या थॉट्स उसके पहले से डेवलप होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस में जाने के लिए एक स्ट्रांग एटीट्यूड की जरूरत होती है, मेंटली और फिजिकली बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत होती है. केवल पैसा को देख के कई लोग सोचते हैं वो नहीं जा पाते, क्योंकि SSB में हम देखते हैं कि 100 लोगों का बैच है उसमें 5-6 लोग ही सिलेक्ट होते हैं, तो परसेंटेज बहुत कम होता है. और वो इसलिए होता है क्योंकि उनको वो एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि हर तरह से परफेक्ट हो. तो क्या स्किल्स हैं जो समय रहते हुए स्टूडेंट को डेवलप करना चाहिए, आप दोनों अपने अपने? मेरे हिसाब से, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि NDA दे चुके हैं, CDS दे चुके हैं, देने वाले हैं, या आप एग्जाम देने भी वाले हो, कोई भी एग्जाम का पहले आपको पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा हर चीज. आपने ये देख लिया कि करंट अफेयर्स आता है, आपने मान लो ये देख लिया कि 50 मार्क्स का करंट अफेयर्स आता है, लेकिन करंट अफेयर्स एक बहुत ही ब्रॉड चीज है. आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें से स्पोर्ट्स कितने मार्क्स का आ रहा है, और स्पोर्ट्स भी आ रहा है तो स्पोर्ट्स में ही बहुत सारे कैटेगराइजेशन हो सकते हैं, कि सपोज 2 क्वेश्चन अवार्ड्स में से आ रहे हैं, हर साल अवार्ड्स में से आ रहे हैं, तो आप अवार्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करो. आपको अगर ये लग रहा है कि हाँ ये वाली चीज़ प्लेयर्स पे से आ रही है, तो प्लेयर्स पे कॉन्सेंट्रेट करो. इस हिसाब से पूरे पेपर को आपको बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा. ऐसे ही ये सोच के कि हाँ स्पोर्ट्स आएगा, हिस्ट्री आएगा, वैसे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि CDS में भी यही सब आना है, NDA में भी यही सब आता है. दूसरी चीज़ रही आपके जो सर क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, वो ये हो जाएगा कि आप जब भी एक डिफेंस वाले की आप इमेज लाते हो दिमाग में, तो आपके मन में क्या आता है कि बहुत ही एक वेल डिसिप्लिन्ड इंसान होगा. ठीक है, तो डिसिप्लिन आपके हर चीज़ के लिए ज़रूरी है. आप जो भी एनालाइज कर रहे हो, एक आर्मी ऑफिसर को अगर आप इमेजिन करते हो, जो भी आपको क्वालिटीज़ दिख रही हैं वो आप अपने अंदर लाने की कोशिश करो, और फिर अपने आप को एनालाइज करो इंटरव्यूअर के साइड से. मतलब अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप मुझ में क्या क्या चाहोगे वो इमेजिन करो खुद के लिए, तो अपने आप ही आप सारी क्वालिटीज डेवलप कर लोगे. इतना मुश्किल नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा खुद पे काम करना शुरू कर दो. जो जैसे आकृति ने बताया कि हर चीज को एनालाइज करते हुए तो चलना ही है, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि हाँ, इफ दिस इज द थिंग आई वॉन्ट टू डू, यही करने का मन है, यही करना आप चाहते हो, तो अपने आप इसमें एफर्ट पुट करने लगोगे. जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स चाहते हैं या जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज गोइंग, अगर आप कोशिश करते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत होती है. फिजिकल स्ट्रेंथ बना सकते हो आप, बट मेंटली अगर आपको स्ट्रॉन्ग रहना है तो उसके लिए आपको खुद को एफर्ट डालना होगा. तो अगर ये आपकी फील्ड आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ मैं कर सकता हूँ, ये मेरी चीज़ है, तो ही आप उसमें अप्लाई करो, वरना कोई मतलब का नहीं रहेगा. बिल्कुल सही बोला इन्होंने. देखिए, दोनों ने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो बाकी सब चीज़ें अपने आप डेवलप हो जाएंगी. तो वो एक चीज़, और नॉट ओनली कि डिफेंस के लिए, हर जगह के लिए. और देखो कितनी अच्छी बात बोली कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए. अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं किसी का, तो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का पहला बेसिक रूल ये होता है कि आप उस एग्जाम का डिटेल एनालाइज करें कि क्या करना है, रिटर्न के लिए क्या करना है, इंटरव्यू के लिए क्या करना है, और बाद में कैसी लाइफ जीना है. पहले वो लाइफ को आपको अपने अंदर इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि आप उसके लिए फिट हैं कि नहीं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके लिए फिट हैं तो ही आप आगे बढ़ें, अदरवाइज फिर कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लगेगी. दूसरा, एक बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों को इंग्लिश को लेकर, कि क्या पूरा ही इंटरव्यू इंग्लिश में होता है,
तो मेरा ये मानना है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन लैंग्वेज है. ऑब्वियसली इंग्लिश अच्छी होना चाहिए डिफेंस में, क्योंकि आप ऑफिसर रैंक पर जा रहे हैं, आपको अलग अलग कंट्री या अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करना होगा. और इसीलिए आप देखें तो NDA-CDS में इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है. पर क्या केवल एक इंग्लिश अच्छी होना ही इम्पोर्टेंट है, या कुछ और स्किल्स हैं जो डेवलप करने चाहिए इंग्लिश के साथ साथ? तो इंग्लिश इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि अगर अपन आर्मी में आज की डेट में देखें तो आर्मी में क्या, आप इंडिया में ही देखो तो हर एक इंसान उतना ही क्वालिफाइड है. मतलब एक आर्मी ऑफिसर की क्वालिफिकेशन में और एक जवान की क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. एक वो है कि आप एंट्री कौन सी लेते हो, वो दैट इज़ डिफरेंट. अदरवाइज क्वालिफिकेशन में इतना डिफरेंस नहीं होता. तो एक ये कम्युनिकेशन चैनल ऐसी चीज़ है, ये आपकी जो लैंग्वेज है वो ऐसी चीज़ है जो आपको डिफ्रेंशिएट करेगी. तो इंग्लिश हाँ ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि SSB में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छी कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी होगी आपको, क्योंकि आपको रिटर्न में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ेंगी. बट आप इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इंटरव्यूअर को समझा सको अपनी बात, ठीक है? तो आप इंग्लिश में समझाओ, हिंदी में समझाओ, कैसे भी करो, लेकिन आप जब अकेडमी जाओगे या आफ्टर गेटिंग कमीशन, इंग्लिश ही मेन लैंग्वेज रहेगी. तो अभी से काम करना शुरू कर दो, किसी भी फील्ड में आपको काम आएगी इंग्लिश. दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ इंग्लिश तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश के साथ बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी. ऐश्वर्या, आप जैसे इसने कहा कि SSB में इंग्लिश नहीं है इतनी कंपलसरी, दोनों हिंदी इंग्लिश कैसे भी करके मिक्स एंड मैच करके आप इंटरव्यूअर को हो या कोई भी ऑफिसर बैठा हो या इवन आपके कलीग्स हो, उन तक बस मैसेज सही डिलीवर हो जाए, यही इम्पोर्टेंट रहता है. बट एकेडमी जाकर आपको ऑफिसर से जो इंटरेक्शन करना है वो हिंदी में आप कर ही नहीं सकते, आपको कंपलसरी इंग्लिश यूज़ करनी है. वहाँ के जो पेपर्स हैं वो आप इंग्लिश में दोगे, तो एकेडमी रीच करते ही आपको इंग्लिश ज़रूरी पड़ेगी. यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, यू नीड टू राइट इन इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश पे वर्क करना ज़रूरी है. बाकी स्किल्स तो आपको अपने आप पता चल जाएंगे कि हाँ आपको क्या क्या स्किल्स डेवलप करने हैं आपके खुद के पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग. तो इंग्लिश के अलावा बहुत सारे स्किल्स हैं, इंग्लिश को भी डेवलप करना है. 5 दिनों में इंग्लिश नहीं बोलनी है, तब आप हिंदी इंग्लिश कैसे भी, मतलब हिंदी में भी आप अगर कन्विंस कर पाते हो सामने वाले को, देन इट्स फेयर एंड गुड. SSB में कोई कंपल्शन नहीं इंग्लिश का. SSB के बाद अगर आप वर्क करते हो इंग्लिश पे तो वो ज़रूरी है, क्योंकि एकेडमी जाते से ही, कमीशन होते से ही आपको इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. अच्छा, आप लोगों का मीडियम तो इंग्लिश रहा है, पर आपने देखा होगा कई सारे हिंदी वाले बच्चे भी आए होंगे, उन्होंने किस तरह से फेस किया? और क्योंकि जब वो ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश या कोई भी जो लैंग्वेज हम सुनते हैं वो लैंग्वेज हम बोलने लगते हैं. तो आप लोगों का आपस में कम्युनिकेशन किस लैंग्वेज में होता था, एक बात. दूसरा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिन्होंने SSB भी निकाला होगा और आपके साथ रहे, तो उनका क्या एक्सपीरियंस आपको मिला या क्या लगता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई बार हिंदी और इंग्लिश के डर से SSB में पहले जाने से डर जाते हैं. अभी एक कुछ समय पहले एक बच्चे का रिटर्न निकला था, पर वो इंटरव्यू देने SSB इसलिए नहीं गया 5 दिन के लिए कि उसको इंग्लिश बोलना नहीं आती थी. तो इसलिए स्पेशली मैं इस पर फोकस करना चाहता हूँ, और ये आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं. ऐसा था कि जो हिंदी मीडियम से आते हैं तो वो खुद भी एफर्ट डालना शुरू कर देते हैं कि हाँ इंग्लिश सीखनी है हमें. दे टेक सम बुक्स से वो सीखने की कोशिश करते हैं, वो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस से कम्युनिकेशन करते हैं. और उनके जो कलीग्स रहते हैं, सबसे पहले वो उनको अप्रोच करते हैं कि हाँ हमारे साथ कम्युनिकेशन करके देखो, हमारे साथ थोड़ी बातचीत करके देखो, ताकि हम कम्फर्टेबल हो जाए. तो इफ़ आप ऐसे कुछ हो तो आप आपके कलीग से पहले हेल्प लीजिए, क्योंकि वहाँ आप कम्फर्टेबल रहोगे बोलने में, वहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि आप टेंशन में नहीं आओगे कि नहीं मुझसे बोलते नहीं बन रहा है. कलीग से बात करो. SSB के इंटरव्यू के वक्त तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, वहाँ कोई कंपल्शन नहीं है इंग्लिश का. तो SSB क्लियर कर लो, उसके बाद आपके पास टाइम रहता है. SSB क्लियर करने के बाद आपके पास काफ़ी टाइम रहता है ज्वाइनिंग से पहले, तो तब आप आपके कलीग्स के पास जाओ, आपके उन टीचर्स के पास जाओ जिनसे आप पढ़ना अच्छा लगता है आपको, उन लोगों के पास जाओ, अप्रोच करो लोगों को, उनसे बात करो इंग्लिश में. आप जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स होते हैं, ये सब देखो, और उससे आप कोशिश करो कि हाँ एक नॉर्मल बेसिक मीडियम आपको मिल जाए. आपको कोई इंग्लिश, आपको हाईफाई इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ एक बेसिक कम्युनिकेशन के लिए जो इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है उतनी इंग्लिश बस आप सीख जाओ, दैट्स इनफ. जैसा कि ऐश्वर्या ने बोला कि आप एक्चुअली अपने कलीग से ही सीखते हो,
तो हम लोग भी यही करते थे कि जो कुछ हमारे फ्रेंड्स थे जिनको नहीं आती इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, एसएसबी के 5 दिनों में या फिर एकेडमी में हम लोग आपस में इंग्लिश में बात करते थे। तो उससे क्या होता है कि आप की थोड़ी सी जो एक कॉन्फिडेंस आता है आप में बोलने का, ऐसा नहीं कि इंग्लिश आती नहीं है लोगों को बस इंग्लिश में बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उनको ये रहता है कि हम कहीं गलत ना बोल दें। तो ये कॉन्फिडेंस आपका तभी खुलेगा जब आप बोलना शुरू करोगे, टूटी फूटी बोलो कैसे भी बोलो बट बोलना शुरू कर दो। और सिर्फ इंग्लिश की वजह से एसएसबी छोड़ना इज तो नॉट एट ऑल करेक्ट, क्योंकि इतना बड़ा हिंड्रेंस नहीं होगा इंग्लिश फॉर एसएसबी स्पेशली। एक और बात, बहुत सारे बच्चों का एक डाउट रहता है चाहे एसएसबी मतलब हम एनडीए देखें या सीडीएस, मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, फिर जीएटी में बेसिक फिजिक्स भी आती है, बायो भी आती है, जनरल अवेयरनेस भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है। कई लोगों को लगता है कि इन सब की क्या जरूरत है। मुझे लगता है आप लोगों ने जो अभी 11 महीने की ट्रेनिंग ली है उसमें इन सब सब्जेक्ट के आपको जो यूजेस हुए हैं आपको समझ में आया होगा कि रिटर्न में ये क्यों रखते हैं। तो बच्चों को ये बहुत जरूरी है समझना कि इतने सारे सिलेबस को क्यों कवर किया गया। तो मैं चाहूंगा इस पे आप जो इनको बताओ, फिर ये ढंग से अपने आप को डेवलप करें। हमारी जो ट्रेनिंग थी, हमारी ट्रेनिंग में फिजिकल्स के अलावा भी अराउंड 15-16 सब्जेक्ट्स थे, और ये जो 15-16 सब्जेक्ट्स थे ये कोई एक टॉपिक पे बेस नहीं थे, ये पूरे वेरिड इसमें थे। हमें लॉ के सब्जेक्ट्स थे, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इसके थे, और इसके साथ साथ हमारे वॉरफेयर के टैक्टिक्स वगैरह थे कि कैसे डिफेंसेस सेट करना या कैसे अटैक पे जाना। तो ऑलमोस्ट ऑल फील्ड को कवर करते हुए उन्होंने हमें सिखाया था। तो एक बेसिक नॉलेज हमें है कि नहीं इन सारी चीज़ों का, ये बताने के लिए ये इतना वास्ट सिलेबस रखते हैं कि उनको एक आइडिया मिल जाए कि हर फील्ड के बारे में आपको नॉर्मल सा बेसिक सा नॉलेज है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है बस उसी के बारे में नॉलेज है और आपको बाकी दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। तो इसलिए ये सारे सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं ताकि आपको जब आप ट्रेनिंग करो तो आप उसमें जो आगे की चीज़ें ये पढ़ा रहे हैं, हमें मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ाने, हमें जनरल अवेयरनेस बता रहे हैं, वो चीज़ें आप इन बेसिक नॉलेज से समझ सकते हो कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए ये सारा वास्ट सिलेबस रखा गया है। ऐश्वर्या ने बिल्कुल सही कहा, एक्चुअली ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमारा एक करंट अफेयर्स का अलग से पेपर भी होता था। तो इट्स लाइक कि आपको हर चीज़ कवर करके और हर चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स लाइक एवरी सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे भी आपको आगे भी चल के यही काम आएगा, और ना ही सिर्फ अकेडमी में, हमारी पूरे करियर में हमारे इसके एग्जाम्स चलते रहेंगे, एक आपका करंट अफेयर्स हिस्ट्री वगैरह इन सब के एग्जाम्स चलते रहेंगे, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर करी, आपका भी कुछ और डाउट होंगे तो जब भी कभी आप लोग आओगे तो बच्चों से हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।